वेलकम गाइज, MPMK चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PNST NMTST फाइनल कट ऑफ, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग के बारे में। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट आ चुका है और सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं अपनी अपनी मेरिट लिस्ट में रैंक और कट ऑफ, और आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। ठीक है, काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिले, सर हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। सो गाइज, PNST की जो कट ऑफ थी वो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। अब रही बात मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग की, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और NMTST की कट ऑफ यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, NM की हमने अभी चेक नहीं की, तो चलिए NM के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सो गाइज, जैसा कि हमने आपसे बोला कि कट ऑफ की बात जब हम करते हैं तो उससे पहले टेबल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सीटों का वितरण, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर है तो आपके कट ऑफ वैसे ही क्लियर हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो इसमें क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, रिजर्वेशन किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला, हमने आपको PNST में भी ऐसे ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है PNST से NMTST वालों के लिए। ठीक है, ये NM के कट ऑफ की यहाँ हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, कुल सीटों का वितरण 220 सीटें है आपके पास। कितनी सीटें है, 220 सीटें, और इनमें से EWS वालों के लिए 22 सीट है, और अनारक्षित सीटें कितनी है, 44 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 30 यानी कि 30 सीट है, और अनुसूचित जाति के लिए 28 यानी कि 28 सीट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 44 सीट है। ठीक है, यानी कि अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल OBC के यहाँ पर सेम सीट है। क्लियर हो गया ये। तो अब बात कर लेते आशा कार्यकर्ता, देखो इनको काफ़ी सारा रिजर्वेशन मिला हुआ आशा कार्यकर्ता को। ठीक है, अगर इस कैटेगरी में आप आते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इनके लिए AWS में कोई सीट नहीं है। अनारक्षित में 16 यहाँ पर है, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 है, अनुसूचित जाति के लिए 8 यहाँ पर दे रखा है। राइट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देख सकते हो 14 यानी कि 14 सीट्स है। तो ये आशा कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर जब टोटल आप देखोगे तो AWS का कितना हो जाएगा, 22, और अनारक्षित का 60, और अनुसूचित जनजाति का 44, और अनुसूचित जाति 36, और अन्य पिछड़ा वर्ग का 58 हो जाता है। क्लियर, तो ये करा के आपका 220 हो जाता है। अब आप बोल रहे होंगे, सर हमने हमारा रिजल्ट चेक कर लिया, और जब रिजल्ट आपने चेक किया तो रैंक भी देख ली होगी आपने। ठीक है, आपके रैंक में जब रिजल्ट शो हुआ होगा तो चलो दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार का शो आपको हुआ होगा। सो गाइज, आपको अपना रिजल्ट कुछ इस प्रकार से शो हो रहा होगा। राइट, ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन मिल गए होंगे, जैसे कि 150 में से कितने आपने हासिल किए, और आपको रैंक कहाँ देखना है वो हमने आपको पहले ही बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर रैंक कहाँ पर देखनी है, तो रैंक आपको ऑल आर रैंक यहाँ पर मिल जाएगी, और आपकी कैटेगरी जो है ना उसकी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है गाइज आपको। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर हमारे नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कम हो गए, और बहुत सारे बोल रहे कि ज़्यादा हो गए। तो देखो, ये तो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर जो है आपको पता ही है, कम ज़्यादा होते ही है। तो आपके भी कुछ कम हो गए होंगे, किसी के ज़्यादा, देखो यहाँ पर ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो किसी के कम भी हुए होंगे तो डोंट वरी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया दिया। जो हमारे चैनल पे शुरू से है उसको तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे ओनली PNST GNTST और NMTST की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है, और हमारा पूरा सपोर्ट है NMTST PNST GNTST वालों को। कोई भी दिक्कत हम आने नहीं देंगे, ये तो हमारा वादा है। सो गाइज, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इनकी जो और आर रैंक है और कैटेगरी जो रैंक है वो बहुत ही हाई है। ठीक है, जितनी सीटें नहीं है उससे ज़्यादा रैंक है। एक और एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए NMTST वालों को। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट हैं जिनके इतने अच्छे भी नंबर आए होंगे, जैसे कि इनके आप देख पा रहे हो नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर कम जरूर हुए हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर कम जरूर हुए हैं, बट इनकी रैंक अच्छी है। ठीक है, आपकी भी अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, देख पा रहे होंगे इनकी ओवरऑल रैंक 42 है। तो अभी जो चार्ट पैटर्न हमने आपको दिखाया था, अब आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि वो जो चार्ट पैटर्न है उनसे कंपेयर करो इसको, कितने रैंक है यहाँ,
42। तो चार्ट पैटर्न पर वापस हम आपको ले जाते हैं। सो गाइज अब यहाँ पर आप देख लो कितनी सीट है अनरिजर्व की 44, जबकि रैंक कितनी है उनके 42 उन स्टूडेंट के। तो ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन हो रहा है, सीटों के अंतर्गत जब रैंक आ रही है तो 100% सिलेक्शन है। हम आपको पहले बता दें अगर आपके भी गाइज अनुसूचित जाति में 28 के अंतर्गत रैंक है तो समझो सिलेक्शन, जनजाति में अगर आप आते हो तो 30 के अंतर्गत आप अगर आपकी रैंक है NMTST में, ठीक है NMTST 2020 जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। OBC ने पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें, अगर आप 44 के अंतर्गत आपकी रैंक है ठीक है तब भी आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक है अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा अगर मान लो हम OBC में हमारे 44 नहीं है 46 भी रैंक है तो क्या हमारा नहीं होगा क्या? हो जाएगा, डोंट वरी हो जाएगा, अभी हम आपको बताएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये सीटें कहाँ से आएंगी? ये आएगी आपकी जनरल कैटेगरी से, बट आपको टॉप आना पड़ेगा तब जाके आप जनरल एक सीट काट सकते हो। ये जो सीटें जनरल वालों के लिए अनआरक्षित वालों के लिए, ये अपने आप में यूँ मत समझना कि 44 हमारे लिए ही है, इन सीटों को अदर कैटेगरी वाला भी ले सकता है अगर वो टॉप कर जाता है तो। ठीक है जैसे कि मान लो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर OBC का कोई भी कैंडिडेट टॉप कर गया, ठीक है टॉप कर गया तो वो जनरल की उनको सीटें मिल जाती है। मान ले 4 स्टूडेंट है टॉप कर गए तो माइनस कर दो जनरल में से, 40 सीटें बचेगी फिर जनरल वालों के लिए, तो क्योंकि 4 सीटें तो टॉपर ले गए OBC SST वालों के लिए, आराम समझ में। तो ये जनरल वाले की सेप यहाँ पर नहीं है अपने आप में, ये कंप्लीट नहीं है ठीक है, और बाकी के तो सब कंप्लीट है, इनकी तो सीटें कोई ले ही नहीं सकता। ठीक है आराम समझ में गाइज, कोई भी डाउट है तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे सीधा आप बात कर सकते हो, हमने लिंक भी दे रखा है आपको ताकि हमारे स्टूडेंट को कोई भी समस्या ना हो। ठीक है फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, फॉलो करके आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। सो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, अगर टॉप करता है तभी वो जनरल की सीटें काट सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है तो ये फंडा रहता है, अगर इन कैटेगरीज में गाइज आपके रैंक आ रही है तो समझ लो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है क्योंकि आपका इसमें आ रहा है। ठीक है अगर आप ऐसे कारा करता है तो यहाँ से आप देख लेना, उनको तो वैसे रिजर्वेशन मिला हुआ है और यहाँ पर 220 सीट है ठीक है टोटल। सो गाइज अपनी अपनी रैंक अवश्य बताएं आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे, चाहे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर रोल नंबर दे सकते हो, किसी का अगर रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा रैंक समझने में इशू आ रहा है कोई भी इशू आ रहा हो तो। और हाँ स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक और बात जाना आपके लिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं OBC वालों का, OBC वालों के कोई कैंडिडेट है जिसके रैंक है, यहाँ पर सीटें तो 44 ही है बट उसके रैंक है 55, अब ऐसे में उसका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। गाइस ऐसे में स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है अगर कम रैंक वाला, जैसे कि कम रैंक मतलब जिनके अच्छी खासी रैंक है, जैसे कि रैंक 15 और 20, किसी स्टूडेंट के 15-20 रैंक आई है बट वो काउंसलिंग नहीं करवा रहे क्योंकि उन्होंने कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लिया और वह अब NMT यानी कि NM नहीं करना चाहते, तो ऐसे में उनकी सीटें खाली थोड़ी ना रहेगी, उनकी सीटें किनके थ्रू भरी जाएगी? हाईएस्ट रैंक वालों के लिए जो इस रैंक से आगे है, क्योंकि सीटें खाली नहीं जाती गाइस, पूरी भरनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर कम रैंक वाले स्टूडेंट 4-5 भी अगर काउंसलिंग नहीं करवाते तो इसमें ऐड कर लेना 4-5, आपके रैंक बढ़ जाएगी और जिनकी बड़ी हुई रैंक जिनके हैं उनको मिल जाएगा, ऐसा होता है क्योंकि सारा काम काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड है। हमने आपको पहले ही बोल दिया कि कौन कौन काउंसलिंग करवा रहा है, तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, किस प्रकार होगी PNST NMTST वालों की, वो हमने आपको पहले बता दिया आपको। ठीक है कि काउंसलिंग के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हर प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी इस काउंसलिंग की। ठीक है चैनल आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, वीडियो आपको मिल ही जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। ठीक है ना गाइज अब रही बात मेरिट लिस्ट की, मेरिट लिस्ट तो PNST और NMTST इनकी मेरिट लिस्ट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे ये मेरिट लिस्ट होती क्या है सर, मेरिट लिस्ट वो होती है जिसमें आपके सभी कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ठीक है PNST का और NMTST का,
उनके रैंक वाइज, जिनके रैंक फर्स्ट है, जिनके रैंक सेकंड है, जिनके रैंक थर्ड है, ठीक है, फोर्थ है, सभी की लिस्ट बन के आती है गाइज, और उनके परसेंटेज सब लिखी हुई होती है इसमें, वो होते हैं मेरिट लिस्ट, वो भी हम आपको देंगे, ठीक है ना गाइज। और इनका थोड़ा कैटेगरी वाइज पूछ रहे थे कुछ स्टूडेंट कि इनको कैटेगरी वाइज बताइए कि कितना परसेंट आरक्षण है, तो देख लेते गाइज। सो गाइज ये लीजिए कैटेगरी वाइज देख लो आप, ठीक है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अधीन एएनएम परीक्षण केंद्रों में स्वीकृत सीट होगी 220 जो सीटें हैं, उसके किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि परीक्षण केंद्र आपके कहाँ है, बैतूल में है, सीहोर धार में है, ठीक है। सो गाइज ये चार्ट पैटर्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटों का वितरण, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहाँ पर कितनी सीटें हैं और किन के लिए कितनी है, ये आपको इसी चार्ट पैटर्न से क्लियर हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर दें, बैतूल की बात करें, सीहोर की बात करें, धार की बात करें, तो यहाँ पर टोटल कितनी सीटें आपके सामने दे रखी है, 30 30 30, और बुरहानपुर में 20, शिवपुरी में 30, मंडला में 30, और शहडोल में 30, पन्ना में, तो इस प्रकार से 220 सीटें हो गई। बट अब यहाँ पर देखना इनमें जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, आशा कार्यकर्ता कितनी है, तो यहाँ पर ध्यान देना गाइज। अब ये आपके बैतूल की अगर हम बात करें तो बैतूल में आपके लिए यहाँ पर 30 सीट है, अब जनरल वालों के लिए ओनली 8 सीट यहाँ पर दे रखी है, जनरल अनारक्षित के लिए 8 सीट, इनमें से भी खुली प्रतियोगिता के लिए 6 और आशा कार्यकर्ता के लिए 2, ठीक है। अगर बैतूल में अगर आप बात करोगे ओबीसी वालों की, अनपिछड़ा वर्ग, तो इनके लिए भी 8 सीटें हैं, और SST वालों की बात करोगे आप तो कुल देख लो 5 और 6, ठीक है। इस पर फोकस करना है कि टोटल कितनी है, 30 तो है सही, बट जनरल वालों के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए इतनी, और अनुसूचित जनजाति के लिए 6, और ओबीसी वालों के लिए इतनी, ठीक है। ये 30 का इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है, और आशा कार्यकर्ता का ये दे रखा, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज इसी प्रकार आप शिवपुरी धार की सभी की आप देख सकते हो, क्लासिफिकेशन हमने आपको बता दिया कि टोटल सीटें यहाँ पर आपको लिए दे रखी है, कहीं की भी आप देखो, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और कुल यहाँ पर आपकी कैटेगरी के लिए यहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि ओबीसी वालों को देखना तो इसमें देख लेना, अगर आपको SST में देख लेना तो यहाँ देख लेना, सिंपल है गाइज। अब आप बात करोगे सर PNST की कट ऑफ, तो PNST की कट ऑफ के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो आपको बता दिया था, PNST की कट ऑफ अगर आप जानना चाहते हो फिर भी, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है वीडियो का, आप जाके PNST की फाइनल कट ऑफ देख सकते हो अगर आपने नए देखा है तो। और रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग के ऊपर आपको वीडियो मिल ही जाएगा, और मेरिट लिस्ट बहुत जल्द हम जारी करने वाले हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो गाइज फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है गाइज। और आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, ये तो आप यहाँ से हमने आपको बता ही दिया कि अगर इनके अंतर्गत आपके रैंक है तो समझो आपका 100% सिलेक्शन है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है।